मैं सेशन को शुरू करूंगा। सबसे पहले तो आज फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूं और मुझे टेंशन थी कि मैं एक्चुअली शिमला वाले घर पे नहीं हूं, मैं अपने गांव में हूं, अपने होम टाउन में हूं, तो यहां थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। तो टेंशन थी, पता नहीं कर पाऊंगा, कैसा रहेगा, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप सबकी ब्लेसिंग से अभी तक मैं आपसे लाइव जुड़ चुका हूँ और आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर्ष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे और लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो आज का दिन है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त भी कभी आएगा पलट कर, जब अपनी जिंदगी को देखता हूं तो बिलीव नहीं होता कि कभी जिंदगी ऐसी भी हो सकती थी। आज पूरी लाइफ बदल गई है, जिंदगी फर्श से अर्श वाली हो गई है, पूरी लाइफ बदल गई है। जिसको कहते हैं लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, वो लाइफ आज मेरी पूरी चेंज हो गई है। आज मैं फेसबुक लाइव पे हूं, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कैसे शुक्रिया करूं इस महान कंपनी का, जिस कंपनी का नाम है सेफ शॉप, इस महान कंपनी का मैं कैसे शुक्रिया करूं। मैं सेफ शॉप कंपनी के हमारे डायरेक्टर को शत शत नमन करता हूं यहां से, कि आपने एक ऐसी कंपनी बनाई, आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां से हम जैसे लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं हमारे डायरेक्टर्स को। और मुझे अभी मेरी दीपक सर से बात हो रही थी, तो सर ने मुझे बताया कि जीत के रजत सर भी तेरा लाइव देखेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने अपना समय निकाला मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजत सर कि आप मुझे देख रहे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्योंकि यहाँ की जो, यहाँ तक की ये जर्नी है, नो डाउट कि सेफ शॉप ना होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन जिसने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया है, इवॉल्व इंडिया एक ग्रेट एजुकेशन सपोर्टिंग सिस्टम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीपक सर, हर्ष सर का, इवॉल्व इंडिया की कोर टीम का और अपने सारे सीनियर लीडर का, अपने सारे साथियों का, कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इस लायक नहीं था और आज मैं आप सबके साथ फेसबुक पे लाइव हो रहा हूँ। दोस्तों, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा कि मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव, मैं कैसे एक गांव से, एक किसान का लड़का कैसे आज यहां तक पहुंच गया, मैं वो बात आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं छोटे से गांव, हिमाचल, एक छोटे से गांव से मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं और परिवार की जो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक स्थिति, मगर मैं कहूं तो इतनी नहीं, इतनी भी नहीं थी कि वो मुझे बचपन में पढ़ा भी सके। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था, जब मुझे पढ़ाई के लिए आश्रम भेज दिया गया। मैं आश्रम गया, वहां से मेरी पढ़ाई हुई, वहां मुझे पढ़ाया गया और भविष्य का कुछ पता नहीं था कि भविष्य कैसा होगा, किस तरफ जाएगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन सिर्फ मुझे उस आश्रम में इतनी बात समझ में आ गई थी कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो कम से कम अपना 10th+2 का एजुकेशन तो कर ही लूंगा, मालूम नहीं उसके बाद क्या होगा। और वहां से अपना एजुकेशन पूरा किया, तो जब +2 करके निकला तो आगे के मुझे मालूम था कि परिवार कैपेबल नहीं है कि मेरी पढ़ाई को आगे करा सके, मुझे कंटिन्यू स्टडी करा सके। तो मैं उसके बाद अब ग्रेजुएशन करना था, तो मैं आपको बताऊं तो मैंने जो लैंडलाइन फोन होता है उसमें कार्ड लगाने वाली कंपनी, उसके अंदर मैंने काम किया पार्ट टाइम। और मैं आपको बताता हूँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं अपने कॉलेज के बाद रोज वहां 5-7 घंटे काम किया करता था, रात को 12-12 बजे तक, 1 घंटे का मुझे 10 रुपये मिलता था। तो इस तरह से मैं दिन में 80-90-100 रुपये कमाया करता था और कोशिश करता था कि महीने में किसी तरह से अपने कमरे का खर्चा और अपना पढ़ाई का कुछ खर्चा निकाल सकूं। और मैं आपको बताऊं तो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए मैंने और तो और मैंने एक वाइन शॉप के अंदर भी काम किया, कि पार्ट टाइम, कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे आगे कंटिन्यू कर पाऊं, क्योंकि हाथ ऐसा कुछ परिस्थितियां नहीं थी परिवार की कि वो मेरे को पढ़ा पाती, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन को जैसे तैसे किया पूरा। इस बीच में बहुत सारी चीजें थी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के के पास होती है, कि भाई वो कोशिश करे आर्मी में जाने की, पुलिस में जाने की, या जो भी पोस्ट है उसके सामने आ रही है +2 ग्रेजुएशन लेवल की, उसको फाइट करने की, वो हर चीज मैंने करी,
लेकिन एट द एंड ये कहेंगे कि किस्मत ने साथ नहीं दिया या मुझे वो सर्विसेज मिली नहीं। तो मैं हमेशा ना कोसता था, बहुत गुस्सा आता था, अपने आप को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था, कभी कभी ऊपर वाले को भी कोसता था कि हे भगवान ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उस वक्त समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं आपको बताऊं, शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी, फाइनेंसिंग एक कंपनी में मुझे जॉब मिला। वहाँ पे मैं ऑफ रोल गया, तो जब मुझे वो जॉब मिला तो चलो मुझे लगा चलो एक थोड़ा सा कम से कम मेरा एक पाँव फंस गया है, मैं अपनी लाइफ को आगे यहाँ से लेके जाऊँगा। क्योंकि किसान परिवार से संबंध रखता हूँ तो मेहनत करना, ईमानदारी ये पहले से ही था अंदर। तो खूब वहाँ पे मेहनत करा, 6 महीने के अंदर मैं ऑन रोल हुआ। मुझे मेरी सैलरी जहाँ 4-5 हज़ार थी, मेरी सैलरी बढ़ के 5-6 हज़ार रुपये हो गई। और मेहनत करी तो जल्दी से सेल्स मैनेजर बन गया, सैलरी 8 हज़ार हो गई और कुछ इंसेंटिव भी मिलने लगा। तो कुछ 15-16 हज़ार रुपया मैं महीने का कमा रहा था और मेरी ज़िंदगी चल रही थी। मतलब कि एक घर परिवार को मैं चलाने लायक बन गया था, मेरी लाइफ चल रही थी। और उस बीच में अचानक से दोस्तों मेरी लाइफ में, जैसे हर किसी की, आप में से बहुत सारे लोग जो अभी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, या तो वो सेफ शॉप में जुड़े हैं या जुड़ेंगे इन फ्यूचर में, हम सबके सामने, किसी के भी सामने सेफ शॉप की अपॉर्चुनिटी बता के नहीं आई, हम सबके सामने सेफ शॉप की अपॉर्चुनिटी अचानक से आई। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अचानक से हम सबके सामने आता है और अचानक से हम सबके सामने इंट्रोड्यूस होता है और हमें समझ नहीं आता कि क्या वाकई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे सामने भी ऐसे ही सेफ शॉप का प्लेटफॉर्म आया और ये जब अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मुझे, जब मैंने इस प्लान को देखा तो मुझे लगा यार जब ये कंपनी 12 सालों से रन कर रही है और इतना अच्छा चल रही है तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई करता हूँ, एक एक्स्ट्रा इनकम ही हो जाएगी। शायद मेरी बहुत बड़ी सोच तो नहीं थी कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर जाऊँगा, तो मैंने सिर्फ एक ट्राई किया था कि चलो एक एक्स्ट्रा इनकम कम से कम मुझे शुरू हो जाएगी, 5-7 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू कर दूंगा। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया, मैं सेफ शॉप में आया और मैं अपने स्टार्टिंग की बात करूं तो बहुत जल्दी से मैंने अच्छा पैसा कमाया। मुझे याद है 1 महीने में मैंने यहाँ से अपनी बाइक ले ली थी, एक बाइक मैंने ली पल्सर 180। अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में मैंने एक लैपटॉप यहाँ से ले लिया। मतलब कि मैं एक अच्छी इनकम कमाना मैंने शुरू कर दिया और मैं इस बिजनेस में एज अ करियर फुल टाइम मैंने कूदने का डिसीजन लिया और मैं फुल टाइम सेफ शॉप के अंदर आ गया। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ। और मुझे याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बार हर्ष सर अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने के लिए आए थे, तो हमारे सीनियर्स ने कहा कि ऐसे ऐसे हर्ष सर आए हैं और एक वो हमें एक ट्रेनिंग देंगे वापस जाते हुए, तो सब लोग तैयार रहे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग सब हर्ष सर को, तो हम मतलब हमने सुना था उनके बारे में बहुत कुछ, कभी मैं पर्सनली मिला नहीं था और हर्ष सर तो मुझे शायद जानते भी नहीं होंगे उस वक्त। और सोलन में एक आनंद करके एक थिएटर था, उसके अंदर वो ट्रेनिंग सेशन हुआ और जब हर्ष सर ने ट्रेनिंग देना शुरू किया दोस्तों, तो उन्होंने जब ट्रेनिंग को स्टार्ट किया तो हम लोग डायरी वायरी पेन लेके बैठे हुए थे कि कुछ सीखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है क्या करना। तो हर सर ने कहा कि आज मैं तुमको ना 5 मंत्र बता रहा हूँ सक्सेस के, फॉर्मूला बता रहा हूँ 5। वो 5 फॉर्मूला ना आज मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो फॉर्मूला मुझे पता चले थे ना तो मुझे एक्चुअली क्लियर हुआ था कि मुझे लाइफ में जाना कहाँ है। तो हम बड़े एक्साइटेड हुए कि सक्सेस के 5 फॉर्मूला। और जब सक्सेस के 5 फॉर्मूला की बात हुई तो हम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए कि आज तो हमें मंत्र मिल गया सक्सेस का। और एक्साइटेड होके हमने, और हर्ष ने कहा कि अपनी डायरी पकड़ो और उसमें लिखो और कहते फॉर्मूला नंबर 1। और हम एक्साइटेड होके हम लिखने के लिए तैयार हुए। हर्ष सर ने वहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर सर ने लिखा डिफाइन डिफाइन योर ड्रीम, और हमने अपनी डायरी में नोट किया डिफाइन योर ड्रीम। और फिर उन्होंने ड्रीम के ऊपर बात करी, ड्रीम की इंपॉर्टेंस बताई कि क्या ड्रीम है, ड्रीम होना क्यों जरूरी है, ड्रीम में कितनी पावर है, ये सब बातें सर ने कही। और उसके बाद कहा कि अब आओ फॉर्मूला नंबर 2 पे, लिखो फॉर्मूला नंबर 2। और हमने फिर डायरी पेन पकड़ के हम तैयार हुए, सर ने बोला लिखो दूसरा, और उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा डिफाइन योर ड्रीम। और हम एकदम शॉक्ड हो गए कि सर ये सेम बात कह रहे हैं। हम सर का चेहरा देखने लगे तो सर ने कहा मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, लिखो। हमने फिर लिखा डिफाइन योर ड्रीम, सर ने फिर कुछ उस पर बातें कही थोड़ी सी, फिर सर ने कहा लिखो तीसरा फॉर्मूला सक्सेस होने का मंत्रा, फिर वहां लिखा डिफाइन योर ड्रीम। हम फिर सर का चेहरा देखने लगे, सर ने बोला मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो। हमने तीसरी बार फिर लिखा डिफाइन योर ड्रीम, और फिर चौथी बार सर ने फिर से लिखा डिफाइन योर ड्रीम, पांचवी बार फिर से लिखा डिफाइन योर ड्रीम।
और एट द एंड क्लोज सर ने किया कि जब तक तुम्हारे पास सपना नहीं होगा जिंदगी का, तुम्हारे पास ड्रीम नहीं होगा कि क्या तुम जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मुझे नहीं मालूम, काफी सारे लोग दोस्तों उस ट्रेनिंग में था, बिल्कुल मैं नया नया था, एक फ्रेशर था मैं, मुझे नहीं मालूम वो कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, लेकिन उस पूरी रात मुझे अच्छे से याद है कि मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि डिफाइन मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ चंद 5-7-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए इस बिजनेस में आया था, मेरा ड्रीम है क्या बेसिकली। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और थैंक यू सो मच हर्षर कि आपने उस दिन आंखें खोली और मैंने अपना ड्रीम, मैंने अपना विजन बनाया कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या मुझे हासिल करना है, और वहां से एक सपना बनाकर मैंने अपने बिजनेस को आगे ले जाना शुरू किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, मैं पर्ल हुआ तो पर्ल लेवल पे मैंने अपनी पहली कार i10 स्पोर्ट्स कार मैंने ली यहाँ से। तो मतलब कहें कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, अचीवमेंट्स आ रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। इस बीच में हम लोगों ने इवॉल्व भी किए, तो एक इवॉल्व में क्योंकि अक्सर हर्ष सर, दीपक सर जब ट्रेनिंग्स के लिए आते थे तो एक इवॉल्व हमने किया, तो दीपक सर का उसी वॉल में आना हुआ। और जब दीपक सर आए तो दीपक सर ने लीडर्स को पूछा, सभी सीनियर्स को, क्योंकि मुझे नहीं जानते थे सर, मैं एक नया था, और बाकी लीडर को पूछा भी एक ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग कौन करेगा। तो सारे जो भी सीनियर मेरे लीडर थे उन्होंने कहा कि जीत वर्मा है, वो कर लेगा, उसको पावर पॉइंट वगैरह यूज़ करना आता है तो वो कर लेगा। तो ट्रेनिंग का सेशन मुझे दे दिया और मुझे बोल दिया गया कि डूज एंड डोंट्स पे ट्रेनिंग तैयार करो, डूज एंड डोंट्स पे ट्रेनिंग। मैंने कहा आप ठीक है, मुझे वो स्लाइड मिली, मैंने लैपटॉप पे देखा, मैंने अपनी तरफ से जो मुझे समझ आया मैंने तैयार किया। और इवॉल्व के एक दिन पहले दीपक सर पहुंचे और होटल में हम सबको बुलाया। अब मैं पहली बार पर्सनली इतना सामने से, मैं पहली बार दीपक सर से मिला था इतने करीब से, और वहां पे सर ने मुझे बोला कि जीत तेरा ट्रेनिंग तैयार है। मैंने बोला यस सर, मेरा ट्रेनिंग सेशन तैयार है। बोले बता। मैंने लैपटॉप खोला और मैंने बताना शुरू किया, उसमें पहला ही स्लाइड के अंदर पहली ही लाइन है, डोंट ट्राई शॉर्टकट फॉर सक्सेस। और मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो और ऐसे ही करके वो ट्रेनिंग जो शायद एक घंटे में होनी थी, 40 मिनट में होनी थी, वो ट्रेनिंग मैंने 15 मिनट में खत्म कर दी। मैंने इंग्लिश पढ़ रहा था उसकी हिंदी बता रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था उसकी हिंदी बता रहा था। तो जब मैंने खत्म किया तो सर ने मुझे बोला तू ऐसे ट्रेनिंग देगा तो लोगों को समझ में क्या आएगा, ऐसा ही करना तो हम स्लाइड चला देते हैं स्क्रीन पे, लोगों को समझ ही लेंगे लोग अपने हिसाब से, तू कनेक्ट कैसे करेगा लोगों से, लोगों की सोच से तू कनेक्ट कैसे करेगा, लोगों को ये समझ में कैसे आएगी बात की क्या बात हो रही है, बाय एग्जांपल आप कैसे समझाओगे, कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे लोगों के साथ कि आपकी बात लोगों को समझ में आए, वो अपने आप को इस ट्रेनिंग से कनेक्ट कर सके, ये ट्रेनिंग बिजनेस से कनेक्ट हो और वो अपने देख सके कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। तो सर मैंने कहा सर मुझे जो आता था मैंने तैयार किया, मैं नया था, मैं गोल्ड लेवल पे आई थिंक था, और मुझे बड़ा मुझे आज हंसी आती है, मुझे कुछ नहीं, और मुझे इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद सर ने कम से कम 3-4 घंटे सर मेरे साथ बैठे और मुझसे वो ट्रेनिंग तैयार कराया, डूज एंड डोंट्स। दूसरे दिन मैंने वो ट्रेनिंग दिया, जब मैंने वो ट्रेनिंग दिया तो वो इवॉल्व में 500-700 लोग थे। मुझे तो ये भी मुझे नहीं मालूम कि वो 500-700 लोगों को वो ट्रेनिंग समझ में आया या नहीं आया, लेकिन वो ट्रेनिंग मुझे ज़रूर समझ में आया कि इस बिजनेस में अगर बढ़ना है आगे तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकियों ने पता नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बाय लक कहें या किस्मत से कहें, मुझे अच्छे लीडर्स का सपोर्ट मिलता रहा और मेरा बिजनेस आगे बढ़ता रहा। और मैं कहूँ कि बिजनेस ना बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी बीच में जब मेरी टीम 15 सेल 20 सेल 30 सेल हफ्ते की कर रही थी, अचानक से एक जगह पे आके नेटवर्क का स्पीड रुक गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि 20-25-30 सेल पे आके टीम उससे आगे सेल बढ़ नहीं रहा है, मेरे साथ भी वो होना शुरू हुआ। और जब वो होना शुरू हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था। तो मैंने अपने सीनियर से बात करी कि सर ये बिजनेस रुक जैसे गया है, कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे। तो मुझे जब मैंने ऐसे टाइम बीतता गया, नहीं एफर्ट कर रहे थे वो ऊपर जाने की वजह बिजनेस नीचे की तरफ आ रहा था। तो मैंने फिर जब नीचे जाके मैंने थोड़ा सा पूछना शुरू किया, बातचीत होना शुरू किया, तो मुझे कुछ समझ में मुझे ये बातें पता चली कि हमारे जो सीनियर्स थे उनके कुछ अफेयर्स टीम में चल रहे थे, लड़कियों के साथ में कुछ पैसों का लेन देन चल रहा था, जिस वजह से नेटवर्क खराब हो रहा था, एक बैड इंप्रेशन जा रहा था, क्योंकि उनको तो एक सेटिस्फाइड
इनकम एक आना शुरू हो गया था शायद, जो उन्होंने सोचा था कि हमें इतना इनकम आ जाएगा तो ओके है, वो इनकम उनको जा रहा था, वो खुश हो गए थे शायद और उनको लगा होगा कि वो लाइफ में सेट हो गए। तो उसके बाद, और बहुत सारे लोग हमारे आज भी ऐसे हैं जो लगे लोग ऐसे खराब हो जाते हैं कि थोड़ा सा पैसा आता तो उनका टीम में और पैसों का लेन देन और बड़ी सारी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसका खामियाजा मैंने क्या भुगता, ताकि आप ये गलती ना करें, उसका खामियाजा मैंने ये भुगता कि अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जो टीम ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी वो टीम एकदम से नीचे आ गई, और देखते ही देखते मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो गया, और सारी नेटवर्क जब डाउन आ गया तो मैं परेशान हो गया। मैं अपलाइन के पास गया, सर क्या करें, सारी टीम खराब हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोग अपनी कुछ और फोन नहीं उठा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो सीनियर का रिस्पांस मुझे यह था कि जी तू देख, अब हम तो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, तुझे करना है तो कर, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। और खड़े से उन्होंने, एक तरह से ऐसा कहेंगे कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि तेरे में दम है तो तू कर सकता तो कर, नहीं तो हमें नहीं मालूम क्या करना है। और उस हालत में दोस्तों मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता था, मैंने गाड़ी ले ली थी, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरे अपलाइन में किसी ने भी गाड़ी नहीं ली थी, किसी भी सीनियर के पास गाड़ी नहीं थी जब मैंने गाड़ी ले ली थी। तो एक रिस्क मैं लेके आगे बढ़ चुका था, अब मैं वापस जाऊँ कहाँ, मेरे पास कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ वापस हटके, किसी नौकरी में जाऊं कहां जाऊं। लेकिन मुझे एक, और जब कहते ना दोस्तों कि जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है, वो एक ऐसी परिस्थिति जब मेरा नेटवर्क जीरो हो गया और उसके बाद मुझे इनकम नहीं आ रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था लोगों के साथ जुड़ने की, बात करने की, फ़ोन करने की, मिलने की, मेरे साथ हर वो चीज़ हो रही थी, हर वो बुरी चीज़ जो आप सोच सकते हो कि लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लोग इग्नोर कर रहे थे, लोग ताने दे रहे थे, लोग कह रहे थे हमें नहीं करना है भाई, हमें तंग मत करो, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे साथ हो रही थी। और वो कहते हैं कि जब आपके सामने, और ऊपर से सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सबसे बड़ी चीज, और एक सीनियर नहीं, मैं जितने सीनियर मेरे ऊपर थे मैंने हर एक सीनियर से जाके बात करी कि मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन किसी का कोई सहयोग मुझे नहीं मिल रहा था। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब परेशानियां आती हैं तो परेशानी के साथ समाधान भी आता है, लेकिन वो समाधान आपके पास चल के खुद नहीं आएगा, हमको उसके पास पहुंचना पड़ेगा, मुझे उसके पास पहुंचना पड़ेगा। तो समाधान मेरे पास नहीं आ रहा था, मुझे 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 ढूंढना था वो समाधान क्या है। तो मुझे एक बात मेरे दिमाग में आई कि यार दो गुरुजन हैं दीपक सर हर्ष सर जिनसे मैं मिला हूं, क्यों ना मैं दिल्ली जाके एक बार उनसे बात करूं। मैं उससे पहले, मेरे पास फोन नंबर तक उनका नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता मुझे नहीं दिखा, मैंने बस वॉल्वो में बस का टिकट लिया और मुझे इतना मालूम था कि यहाँ पे ऑफिस है और मैं बस में बैठकर मैं दिल्ली आया, और ऑफिस में आके मेरे पास नंबर नहीं था, रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि मुझे दीपक सर से मिलना है, उन्होंने कहा आप कौन है क्या है जी, मैंने कहा मैं उनके नेटवर्क से हूँ, मैं सोलन से हूँ और मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मुझे उनसे कुछ बात करनी। फिर उन्होंने मेरी मीटिंग अरेंज कराई और मुझे सर के साथ मिलवाया और सर के साथ मैं बैठा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे उस वक्त समय दिया और इम्पोर्टेंस दी, मेरे साथ आके बैठे, मेरी बात को सुना और सर ने कहा कि जीत मैं तेरे साथ हूँ, तू काम कर आगे। और जब ये बात कही तो मैंने सर को बोला, सर काम तो करूँ लेकिन सारी टीम तो खराब हो गई, मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, सब लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि टीम में इतना नेगेटिविटी फैल चुकी है, क्योंकि जो सीनियर थे उन्होंने कुछ दूसरी कंपनियां भी ज्वाइन करी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जिससे नेटवर्क ख़राब होता है वो सब चीज़ें हो चुकी थी और सब लोग छोड़ रहे थे। तो सर अब मैं क्या करूं, तो सर ने मुझे जवाब दिया कि जीत टीम तेरी ख़राब हुई है सोलन में, टीम तेरी ख़राब हुई है शिमला में, पूरा हिंदुस्तान तो खाली है, पूरा हिंदुस्तान में तो तेरी टीम ख़राब नहीं हुई है, पूरा हिंदुस्तान खाली है, पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है, इस पूरे हिंदुस्तान में अपने लोगों की लिस्ट निकाल और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस कर। मैं थैंक यू करता हूँ सर कि आपने उस वक्त मुझे मोटिवेट किया। और मैं सच बताता हूँ दोस्तों, उस वक्त एक दिमाग पिक्चर दिमाग में आई कि सोलन शिमला खत्म हुआ, पूरा हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ है, और मैंने लिस्ट तैयार करना शुरू किया दोबारा से, कहाँ कहाँ पे मेरे जानने वाले लोग हैं, तो मेरे साथ जो पढ़ते थे स्कूल में कॉलेज में, मैंने उन सब लोगों का लिस्ट बनाना शुरू किया। मैं और मेरे एक मित्र दोरजे जी, अभी मुझे लाइव भी देख रहे होंगे, हम दोनों उनको मैंने मोटिवेट किया काम करने के लिए, और हमने एक रेफरेंस एक लिस्ट निकाली लेह से, जहाँ पे हमारे कुछ दोस्त पढ़ते थे, और हमने लद्दाख में आउट स्टेशन बाहर जाके हमने काम करने का प्लानिंग बनाया। और जब हमने बाहर जाने का प्लानिंग बनाया, क्योंकि नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा था, टीम अच्छी नहीं चल रही थी, तो सिचुएशन ये थी कि पैसा नहीं आ रहा था, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दे पा रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, और जब पैसा नहीं आ रहा होता तो सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, मैं भी परेशान था। तो मैंने सर से बात करी, सर की लेह में बिजनेस सर शुरू हो सकता है, वहाँ पे रेफरेंस है, लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब सर ने हेल्प किया
और फ्लाइट, क्योंकि रोड सारे बंद थे वहाँ, 6 महीने रोड बंद रहते हैं, बाकी आप बाय रोड जा नहीं सकते, तो एक ही तरीका था बाय एयर जाने का। तो बाय एयर सबने पैसा दिया, फ्लाइट की टिकट बुक हुई और लेह में हमने काम करना शुरू किया। तो वो एक फर्स्ट आउटस्टेशन था जब हमने काम करना शुरू किया। और लेह में जब हमने काम करना शुरू किया तो उसके बाद एक पिक्चर तो दिमाग में थी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, टीम एक जगह खराब हो सकती है, हजारों जगह नहीं, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। अगर आप में जज्बा है ना बिजनेस करने का, तो आप कहीं पर भी जाके नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। हमने वहां पर नेटवर्क करना शुरू किया और टीम बननी शुरू हुई। और एक चीज मुझे सर ने जरूर, उस वक्त जब मैं सर के साथ मिला था दिल्ली में, एक बात सर ने और कही थी कि जी देख आज दिन तक मुझे बता तेरी टीम से कितने लोगों ने कंपनी का टारगेट क्वालिफाई किया। सर ने मुझे ऐसे करके पूछा था, मैंने बोला मैं सोचने लगा कंपनी का टारगेट, तो मुझे मेरे मन में तो ये आ रहा था कि कंपनी का टारगेट होता क्या है। तो मुझे, मैं आपको, मुझे ताज्जुब हुआ सर ने जब मुझे बात बोली, तो मैंने सर को जवाब दिया सर किसी ने भी टारगेट क्वालिफाई नहीं किया। तो बोले क्यों? मैंने बोला सर आज दिन तक हमें किसी ने बताया नहीं कि कंपनी का टारगेट जीत तेरे लिए भी आया, तेरी टीम के लिए भी आया है। यानी कि हमारे, मेरे सीनियर ने कभी हमें ये नहीं बताया कि कंपनी का टारगेट अचीव करना चाहिए। तब कंपनी का टारगेट अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी, आप अच्छा पैसा कमाओगे, आपकी टीम में अचीवमेंट बढ़ेगी, ये चीज़ डुप्लीकेट होगी। आप अचीव करोगे तो आपकी टीम में भी लोग टारगेट को अचीव करेंगे। ये बात मुझे दोस्तों पता ही नहीं थी, मुझे मालूम ही नहीं थी ये बात। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सर को जवाब दिया। सर ने उस वक्त मुझे डांटा, बोला देख जीत उसकी टीम देख, इतने टारगेट क्वालिफायर निकलते हैं उसकी टीम देख, इतने टारगेट क्वालिफायर निकलते हैं उसकी टीम देख। ऐसे करके सर ने बहुत सारे एग्जांपल दिए। मुझे उस वक्त दो बातें समझ में आई थी, एक कि जीत आउटस्टेशन निकलना पड़ेगा, घर में बैठ के बिजनेस नहीं होगा, घर छोड़ के बाहर बिजनेस करना पड़ेगा, और दूसरी बात मुझे समझ में आई थी कि कंपनी के टारगेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इतना मुझे समझ में आया था और मैंने उन दो चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैंने लेह में बिजनेस शुरू किया तो पहली बार में हमने 7-8 लोगों का टारगेट क्वालिफाई किया और वहां से जर्नी शुरू हुई। वहां से जो एक जर्नी शुरू हुई, तब से अब तक हमने कोई टारगेट ऐसे नहीं है जब हमने टारगेट क्वालिफायर नहीं निकले। 7-8 टारगेट क्वालिफायर, 8-10-15, और उसके बाद आउट स्टेशन पे अगर मैं बात करूं तो हमने उसके बाद दोबारा वापस आके हिमाचल शुरू किया, उत्तराखंड शुरू किया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार। और मेरे ब्रदर जब वो बिजनेस में वापसी जब देखा उन्होंने कि मेरा भी बिजनेस चल रहा, तो उन्होंने वापसी करी। रविंदर सिंह जी जो आज डबल डायमंड है, उनको भी मैंने यही बात करी कि भाई अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आउटस्टेशन में जाके बिजनेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरू किया, आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज इतना बड़ा नेटवर्क है। तो हमने आज इस तरह से नेटवर्क को एक्सप्लोर करा। एक बात दिमाग में थी कि एक जगह से बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता, तो हमने आउटस्टेशन शुरू किए। और दूसरी बात में हमने काम किया कंपनी के टारगेट पे काम करना। 7-8 टारगेट अचीवर से रेस शुरू हुई थी। और आज अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम से अगर मैं पिछले टारगेट्स को देखूं तो 70-70 लोगों ने भी टारगेट को क्वालिफाई किया है। और लगातार हमने इस चीज़ के ऊपर, और ये जो बातें सर ने उस वक्त कही थी वो दिमाग में बैठ गई और आज भी हम उसके ऊपर काम करते हैं। और दोस्तों होता क्या है ना, अब ऐसे करके जब हमने इन दो चीज़ों पर हमने काम करना शुरू किया तो नेटवर्क ना बढ़ना शुरू हो गया। अब जब नेटवर्क आपका बढ़ना शुरू हो गया तो हमें समस्या आती है लीडर को डेवलप करने की। जब लीडर को डेवलप हम कैसे करें, लोगों को तैयार हम कैसे करें, तो लोगों को तैयार करने में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है। सबसे बड़ा रोल निभाता है दोस्तों इवॉल्व इंडिया। यहां पे वो रोल आप जाके प्लान कर लोगे, फॉलोअप कर लोगे, सेल निकाल लोगे, लेकिन लीडर डेवलप कैसे होंगे दोस्त? लीडर डेवलप करने में आपको इवॉल्व इंडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं क्या तारीफ करूं इवॉल्व इंडिया की कि आज अगर मेरी टीम में लीडर डेवलप हुए हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल इवॉल्व इंडिया सपोर्टिंग सिस्टम का है। पहले मुझे बताया जाता था कि कुछ नहीं है इवॉल्व इंडिया, बेकार है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब पहले वाले जो सीनियर हमारे थे, कि कुछ नहीं है, तुझे पता नहीं, अभी तू छोटे लेवल पे, जब तू बड़े लेवल पे जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा, यहां सब बेकार है, मुझे इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब मैं सच में इवॉल्व इंडिया से इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो आज मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इवॉल्व इंडिया का हिस्सा हूं। इवॉल्व इंडिया की सभी लीडर ने मुझे एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया, मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतना मान सम्मान, इतना रेस्पेक्ट दिया, मैं क्या कहूं, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैंने इवॉल्व किए, जहां भी मैंने चाहे, मैंने लेह में इवॉल्व किया, -डिग्री टेम्परेचर में इवॉल्व किया, तो अमित मिश्रा सर मेरे इवॉल्व में आए, -17 डिग्री टेम्परेचर था, 400-500 लोगों का वो इवॉल्व किया। आज इवॉल्व इंडिया परिवार ने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच अमित सर, मैं भूल नहीं सकता। अजय सर मेरे इवॉल्व में आए, मान सर मेरे इवॉल्व में आए, और कितने सारे लीडर मेरे इवॉल्व में जिन्होंने शिरकत किया, मेरी टीम को बिल्डअप करने में मेरा सहयोग दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब टीम आपकी बिल्ड हो रही होती ना, तो हमें बूट कैंप्स की इंपॉर्टेंस हमको समझना जरूरी है। उस वक्त बूट कैंप, मुझे नहीं मालूम था बूट कैंप क्या होते हैं, तो मैंने पहला स्पार्क एक अटेंड करा था। जब हमने स्पार्क अटेंड करा, उसके बाद मुझे बूट कैंप की वैल्यू मालूम चली कि बूट कैंप से लीडर डेवलप होते हैं। तो हमने बूट कैंप करना शुरू करा, और बूट कैंप जब हमने करना शुरू करा, मैं और मेरे
बहुत ही प्रिय दोस्त है संजीव शर्मा जी, हम दोनों ने मिलकर बूट कैंप करना स्टार्ट करा। पहला बूट कैंप हम दोनों ने मिलकर साथ में शुरू किया, तो जब हम दोनों ने वो बूट कैंप किया तो उसमें दीपक सर और अजय पिल्ले सर आए थे। उसमें पहली बार मुझे पता चला कि मंच भी कोई चीज़ होती है, मंच के ऊपर भी काम होना चाहिए। 5,000 का मंच, 10,000 का मंच, 20,000, 50,000 का मंच, 1,00,000, 2,00,000 का मंच, इसके ऊपर भी बात होना चाहिए। सिर्फ फेलिसिटेशन यही नहीं होता कि आप सिल्वर की पिन मिल गई, गोल्ड की पिन मिल गई, इसके अलावा भी छोटे छोटे अगर एप्रिसिएशन हम टीम में देंगे तो उससे आपकी टीम बहुत ग्रो कर सकती है, मुझे पहली बार पता चला। और उस टाइम जब वो बूट कैंप हुआ तो एक टारगेट हमें दिया गया, हमें मोटिवेट करने के लिए कहें या एक बिजनेस में स्पीड लेने के लिए हमें टारगेट दिया जाएगा कि जितने भी लोग मंच को क्वालिफाई करेंगे, 10,000 से ऊपर का मंच लगाएंगे, उन लोगों को पार्टी दी जाएगी 5-स्टार होटल में। और मैं बताना चाहता हूं सर, उस वक्त मेरी टीम से 11 लोगों ने मंच को अचीव करा और हम लोग दिल्ली आया 5-स्टार होटल में, पिगाडली में हमें पार्टी दी गई। और उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता जब अजय सर ने ऑडी Q7 ली और पिगाडली में हमें पार्टी दी, और रात को मेरी टीम के लीडर को सर ने बोला सब लोगों को कि जीत, सबको बोल अपने लीडर को कि इस ऑडी में बैठे अंदर और सनरूफ खोल के बाहर अपनी बाहें फैला के इसमें फोटो लो। तो वो फोटो जब सेशन लिया लोगों ने, मैं कैसे सर, मैं सच बोलता हूँ सर, थैंक यू सो मच। उस दिन मेरे लोगों का विजन बन गया, मेरे लोगों की सोच बन गई। और उसमें से जो उस 11 लोगों में से आज जो व्यक्ति आज निकल के आया ना सर, वो डबल डायमंड रविंदर सिंह है, जो आज डबल डायमंड है, जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरा धूम मचा के रखा है। तो आज वहां से एक सोच, एक विजन बनना सर, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इवॉल्व इंडिया ने ही ये प्रेरणा हमें दी, इवॉल्व इंडिया ने ही हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं। मैं जब ये जर्नी आगे चल रही थी ना, तो मैं अब अपनी बात करूंगा, ऐसे मुझे पता ही नहीं चला, सच बोल रहा हूँ, इवॉल्व इंडिया में जुड़ने के बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पर्ल से टोपेज, एमरल्ड, रूबी और कब मैं डायमंड हो गया। हिमाचल में हमने सक्सेस डी किया, मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ, तो डायमंड सेलिब्रेशन में सारे लीडर उस शो में मेरी डायमंड की सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आए। चाहे मैं दीपक सर की बात करूं, मैं हर्ष सर की बात करूं, मैं बात करूं सुनील मान सर की, मैं बात करूं अमित मिश्रा सर की, मैं बात करूं बी सिंह सर की, मैं बात करूं सुबोध सर की, मैं बात करूं संजीव शर्मा जी, ये सब लोग आए। और मेरी कहते ना कि दोस्तों, जब आप सक्सेसफुल होते हैं और जब आप टॉप पे होते हैं, तो उस टॉप पे पहुंचने के बाद आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले लोग भी होने चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे हमेशा ही सब टॉप लीडर्स का मुझे बहुत प्यार मिला है। और ये प्यार क्यों मुझे मिला दोस्तों, मैं आपको इसकी भी वजह बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब आप अगर मैंने ये देखा, मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया कि अगर आप इवॉल्व इंडिया में अगर आप सीनियर्स को 10% देंगे, अगर आप 10% इज्जत दोगे, तो आपको रिटर्न में 100% आएगा। मैंने 10% या मुझे रिटर्न में 100% मुझे मिला वापस रिवॉर्ड के रूप में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतना प्यार मिला। मैं सच बताऊं तो मेरी सक्सेस जो आज मैं कुछ मैंने अचीव किया है ना, मुझे पूरे इवॉल्व इंडिया ने अपने कंधों पे बैठा के मुझे आगे तक लेके गया है। दोस्तों इस बीच में आज मैं कहूं ना, कहते हैं उसके बाद जब मेरा डायमंड फेलिसिटेशन हुआ, तो मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे फोन आया कि जीत तेरा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट करा था कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। तो जब मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ था, तो मैंने अपनी फियांसे को स्टेज पे बुलाया था और उसके बाद मैंने अपने कमिटमेंट को लाइक पूरा किया था, कि अपने घर वालों से कहा था कि जब मैं डायमंड बन जाऊंगा उसके बाद ही शादी करूंगा, और वो कमिटमेंट मैंने पूरा किया। और जब मैंने वो कमिटमेंट पूरा किया, तो मुझे डायमंड बनने के बाद मुझे कॉल आता है कि जीत, ताल कटोरा स्टेडियम में कंपनी का एनिवर्सरी है, जश्न, और तेरा इंटरव्यू है, तुझे और तेरी वाइफ को आना है। मैं सच कहूं दोस्तों, मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो गया। और मैं आपको सच बताऊं, एक डायलॉग ना मुझे बड़ा याद आता है कि कामयाबी बहुत महंगी चीज़ है दोस्तों, कामयाबी बहुत महंगी चीज़ है दोस्तों, इसको खरीदने के लिए जेब में गांधी नहीं चाहिए। कामयाबी बहुत महंगी चीज़ है दोस्तों, इसको खरीदने के लिए जेब में गांधी नहीं चाहिए, दिल में आंधी चाहिए। अगर आपके दिल में आंधी है ना, तो आपको ये कामयाबी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो वो आंधी मेरे पास, मेरे में वो आंधी थी, और इवॉल्व इंडिया ने मुझे उठा के ऊपर लेके गई मुझे। और जब वो इंटरव्यू हो रहा था ना दोस्तों, सोचो एक किसान परिवार से पला बड़ा लड़का, जिसके घर में, जिसको पढ़ाने के लिए उसके फैमिली के पास पैसा नहीं था, आज उस परिवार से पला बड़ा बेटा आज दिल्ली जैसे ताल कटोरा स्टेडियम में 6-7 हज़ार लोगों के सामने इंटरव्यू हो रहा था। मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा है सेफ शॉप,
ये काम करता हूं मैं, इतना मान सम्मान, मतलब मैं सच कहूं मेरी इज्जत ना 10 ऊपर बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इवॉल्व इंडिया का, सेफ शॉप का, कि मुझे इतना प्यार दिया है। और मैं सच कहूँ आज फॉरेन टूर ख्वाब नहीं थे कभी, ख्वाब नहीं, यहाँ से दिल्ली जाने का कभी सपना नहीं था कि यहाँ से दिल्ली भी कभी चला जाऊँगा घूमने के लिए। यार सेफ शॉप में नहीं होता, इवॉल्व इंडिया में नहीं होता तो क्या होती लाइफ, ये सोचता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है कि क्या होती लाइफ। और मैं सच बताऊं आज लाइफ बदल गई, दिल्ली जाने का सपना नहीं सोच सकता था, आज बैंकॉक इंडोनेशिया, आज अगर मैं बात करूं यूरोप में फ्रांस पेरिस स्विट्जरलैंड, आज घूम के आ गया, लाइफ जिसको कहते हैं ना बदल गई, लाइफ पूरी जिंदगी बदल गई। और आज मैं ये सब चीज़ें अगर मेरी लाइफ में पॉसिबल हुई हैं तो नो डाउट ये अचीवमेंट आज मेरी नहीं है, ये अचीवमेंट आज सेफ शॉप की है, आज ये अचीवमेंट इवॉल्व इंडिया की है, और ये अचीवमेंट मेरी टीम मेरे नेटवर्क की है। मैं बहुत, क्योंकि ये मेरी सक्सेस स्टोरी, ये जो मेरी लाइफ है जो आज आगे की तरफ बढ़ रही है, ये तब तक पूरी नहीं होती अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती। मैं अपनी टीम के जो लीडर हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार, बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी टीम से। डबल डायमंड मिस्टर रविंदर जी, जो जिसका फोकस अगर मैं कहूँ, इतने फोकस्ड हुए कि जो उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो जब तक वो पूरा ना हो व्यक्ति हटता नहीं है। तो एक वो फोकस की मैं बात करूँ, एक हमारे डायमंड है मिस्टर डीबी राय, एक रिकॉर्ड सेट करा मात्र 2.5 साल के अंदर, डायमंड बनकर आए मात्र 2.5 साल के अंदर। मुझे डायमंड बनने में वक्त लगा दोस्तों, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप अच्छी नीयत से अपनी टीम के साथ काम करते हैं तो जो आप नहीं कर पाए वो आपके नेटवर्क के लोग करते हैं। आज 2.5 साल के अंदर डायमंड बन के आए मिस्टर ओपी भारद्वाज, जो एक पिल्लर की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा सुख में दुख में, कपिल जी जिनको कहा जाता गोल्डन हार्ट पर्सनैलिटी, मिस्टर दोरजे जी एक टेक्निकल जिसको हम कहते हैं कि एक जबरदस्त लीडर, और ऐसी बहुत सारे लीडर मैं जिनका मैं शायद सबका नाम नहीं लेना ले पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूं आनंद जी, तेज जी, मेघू जी, रॉबिन जी, मनी जी, रुंगसार जी, नयन जी, पॉलिन जी, योनिस जी, रोहित ठाकुर जी, ललित जी, मनोज पाठक जी, सचिन जी, प्रियंका, कुसुम, अंकुश खान ब्रदर्स, एनएच बलखानी साहब, मुर्तजा साहब, और सारे लीडर जितने भी लोग हम मेरी टीम के अंदर आज है, चाहे वो एक व्यक्ति जो जुड़ा है मेरे साथ, उस हर एक व्यक्ति का मेरी इस सक्सेस में, मेरी इस कामयाबी में दोस्तों कंट्रीब्यूशन है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्त कि आप सब लोग मेरे साथ हैं तो मैं आगे बढ़ पाया हूं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा दोस्त, मैं अपनी टीम से इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं कि आपके लिए मैं पूरी जान दे सकता हूं। आपका साथ है तो हम दुनिया जीत सकते हैं, हमारी टीम का नाम विनर, हम दुनिया जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं इवॉल्व इंडिया का, मैं थैंक यू करता हूं सेफ शॉप कंपनी का। और अपनी बात को खत्म करूंगा दोस्तों एक स्टोरी के साथ, के कहते हैं कि अब COVID-19 का समय चला, हम लॉकडाउन के अंदर हैं, हम सब लोग घर पे हैं, हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, और इस घर पे बैठे हुए समय को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा हम सबको हल्ला बोलना है, हम सबको झंडा गाड़ना है, हम लोगों को जिसको कहते हैं ना सेफ शॉप का झंडा एक एक जगह पे गाड़ना है, इवॉल्व इंडिया का झंडा एक एक जगह पे हमको जाके गाड़ना है। मैं एक स्टोरी आपको, आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं इस लॉकडाउन का, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। एक सितार वादक रहे हैं पंडित श्री रविशंकर जी, बड़े प्रख्यात सितार वादक है। तो एक बार वो कोई कंसर्ट कर रहे थे और उन्होंने उस कंसर्ट के अंदर एक सपाट तान बजाई, जब उन्होंने वो सपाट तान बजाई तो पूरे ऑडिटोरियम में जो है ना तालियां गूंज उठी, पूरे हॉल में तालियां बजने लगी उनकी वो स्पीड को देखकर। तो जो पंडित जी रविशंकर जी थे उन्होंने कहा बड़े विनम्र तरीके से, उन्होंने कहा कि जो ये सपाट तान आपने सुनी, जो इसकी स्पीड आपने देखी, जो इसकी फ्लुएंसी आपने देखी, जो इसकी रफ्तार आपने देखी, ये फ्लुएंसी, ये स्पीड, ये रफ्तार लाने में मुझे कई रातें लग गई मुझे रियाज करने में, कई रातें मैं लॉकडाउन रहा हूं तब मेरे में ये स्पीड आई, इस सपाट तान में ये स्पीड आई है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको लॉकडाउन कुदरत ने अंदर कर दिया है, हमारे पास ये मौका है कि हम आत्ममंथन करें कि हम अपने बिजनेस में स्पीड कैसे लाएंगे, हम अपने नेटवर्क में रफ्तार कैसे लाएंगे, कैसे हम अपनी बिजनेस को गोली की स्पीड में आगे भगा के लेके जाएंगे। हमारे पास ये वक्त है कि हम उसके ऊपर काम करें, हम उसके बारे में सोचें, हम उसके बारे में आत्ममंथन करें। तो दोस्तों अंत में सिर्फ यही कहूंगा, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरी बातों को सुना, मुझे इतना प्यार दिया,
बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारी कंपनी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप का, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का, उनको शत शत नमन है कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म दी। आज हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट सबसे विजनरी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इवॉल्व इंडिया सपोर्टिंग सिस्टम का कि सर अगर ये इवॉल्व इंडिया ना होता, आपने इस लड़के की उंगली ना पकड़ी होती, दीपक सर, हर सर, अगर आपने मेरी उंगली ना पकड़ी होती तो मैं पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहा होता, पता नहीं कहाँ गांव में पड़ा होता, पता नहीं कैसी मेरी लाइफ होती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज मैं जो हूँ, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार से हूँ। मैं पूरे इवॉल्व इंडिया की कोर टीम, सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सिर्फ यही कहूँगा, जय हिंद, जय सेफ शॉप, जय इवॉल्व इंडिया। थैंक यू सो